अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर रही है, जिसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसको लेकर देश भर में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के निमित्त मध्य भारत प्रांत के जिलों में भी छात्र सम्मेलन किए जा रहे हैं। जिला संयोजक पुरुषोत्तम झिंझोरे ने बताया कि हरदा जिले में भी प्रत्येक स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं जो कि 9वीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक के 5000 विद्यार्थियों की संख्या में विशाल छात्र सम्मेलन छात्र उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मिडिल स्कूल ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न आयामों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न आंदोलन जो कि अभी तक जिले में सफलतम हुए हैं, ऐसे छात्र हितों में किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हरदा जिले में एक विशाल छात्र सम्मेलन का आयोजन 23 जनवरी को करने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने जन्म काल से ही रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ छात्र हित में लगातार काम करने वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है। मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता होने के नाते आप सबसे निवेदन करता हूं कि 23 जनवरी को होने वाले विशाल छात्र सम्मेलन में आप सब लोग उपस्थित होकर और इस छात्र सम्मेलन को सफल बनाएं। रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। मैं पुरुषोत्तम झिंझोरे एवीपी का जिला संयोजक। आगामी 23 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदा द्वारा मिडिल स्कूल ग्राउंड पर एक विशाल छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरदा जिले के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल रहेंगे। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना का 75 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इसी के निमित्त मध्य भारत प्रांत के आह्वान पर हरदा जिले में भी छात्र उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 5000 की संख्या में विद्यार्थी अपनी सहभागिता देंगे एवं इस जिले की शैक्षणिक समस्या को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे एवं शोभा यात्रा निकालकर खुले मंच के माध्यम से छात्र नेता अपने अलग अलग विषयों पर भाषण देंगे, जिसमें मुख्य रूप से मध्य भारत प्रांत के प्रांत मंत्री आयुष पाराशर जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र डांगी जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।